नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं ऑल न्यू होंडा यूनिकॉर्न 160 के बारे में। यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप 160 सीसी की सबसे कम कीमत वाली बाइक है ये, जिसमें कि आपको काफ़ी बढ़िया पावर देखने को मिल रही है और साथ ही इसमें आपको काफ़ी बढ़िया लुक्स भी देखने को मिल जाते हैं और साथ ही ऐसे ऐसे फीचर्स हैं जो आपको आज की 160 सीसी की बाइक है उसमें देखने को नहीं मिलते। सबसे पहले आप बात कर लेंगे फ्रंट से, तो कुछ इस प्रकार से इसमें आपको हैलोजन हेडलाइट देखने को मिल रही है और यहाँ पर इसमें आपको क्रोम की फिनिशिंग काफ़ी बड़ी देखने को मिल रही है, जो कि देखने में काफ़ी बढ़िया लग रही है। बाकी यहाँ पर इसमें आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक देखने को मिल रही है और साथ ही यहाँ पर आपको सिंगल चैनल ABS भी इस बाइक में देखने को मिल जाता है, क्योंकि 160 सीसी बाइक है ये। और साथ ही इसमें आपको फ्रंट में 80/100 का टायर देखने को मिल रहा है, जो कि ट्यूबलेस टायर है। यहाँ पर ये जो बाइक है 160 सीसी के, फिर भी इसमें आपको किक देखने को मिल रही है और होंडा का आपको इसमें काफ़ी रिफाइन इंजन देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पर टैंक के ऊपर आपको होंडा का लोगो 3D में देखने को मिल रहा है और यहाँ पर देखेंगे आप तो यहाँ पर ये क्रोम फिनिश के साथ में यहाँ पर लिखा हुआ है मोनो सस्पेंशन, यानी कि इस बाइक में आपको मोनो सस्पेंशन देखने को मिलता है। कुछ इस प्रकार से देखेंगे आप तो काफ़ी बढ़िया सा इसमें मोनो सस्पेंशन देखने को मिल रहा है और 100 सेक्शन का आपको इसमें पीछे टायर देखने को मिल जाता है और साथ ही इसमें आता है ड्रम ब्रेक। यहाँ पर 160 सीसी की बाइक है, फिर भी यहाँ पर आपको डिस्क ब्रेक का ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये कम कीमत की बाइक है। और साथ ही कुछ इस प्रकार से इसमें आपको काफ़ी बड़ा सा साइलेंसर इसमें देखने को मिल रहा है और यहाँ पर आपको यूनिकॉर्न की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है स्टिकर फॉर्म में। काफ़ी बढ़िया आपको इसमें सीट देखने को मिल रही है और लुक्स भी आपको इसमें काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं। यहाँ पर पीछे आपको इसमें टेल लैंप देखने को मिल रही है हैलोजन बल्ब के साथ में, और हैलोजन बल्ब के साथ में इसमें आपको इंडिकेटर देखने को मिल रहे हैं। हालांकि यहाँ पर इसमें आपको साइड गार्ड वगैरह बाद में इंस्टॉल करवा सकते हैं आप। बाकी यहाँ पर ये देखने में कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है बिना साइड गार्ड के, यहाँ पर आपको सारा ऑप्शन दे रखा है तो आप बाद में इंस्टॉल करवा सकते हैं। बाकी यहाँ पर जो सबसे यूनिक चीज़ है इसकी, वो है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। देखने में काफ़ी बढ़िया लग रहा है, स्पोर्टी लग रहा है, जैसे कि कोई बड़ी सुपरकार आती है उनमें आपको देखने को मिल रहा है, वैसा आपको इसमें काफ़ी बढ़िया सा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिल रहा है, जिसमें आपको बेसिक से सारी जानकारी देखने को मिल रही है। यहाँ पर आपको RPM मीटर देखने को मिल रहा है, स्पीड देखने को मिल रही है, ऑडोमीटर यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ट्रिम मीटर यहाँ पर आता है और साथ ही ये फ्यूल गेज यहाँ पर है। बाकी यहाँ पर सारी जो बेसिक चीज़ आती है वो सब यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है और यहाँ पर आपको इंजन किल स्विच देखने को मिल रहा है, सेल्फ स्टार्ट देखने को मिल रही है, लो बीम हाई बीम का, टर्न इंडिकेटर का, हॉर्न का और यहाँ पर ये पास स्विच इसमें आपको देखने को मिल जाता है। बाकी कुछ इस प्रकार से लुक आता है इसके पूरे मीटर कंसोल का, जिसे आप कह सकते हैं डैशबोर्ड का, और देखने में यही सबसे बढ़िया लगा मेरे को इस बाइक में। बाकी यहाँ पर इसमें आपको काफ़ी बड़ा सा इसमें टैंक देखने को मिल रहा है और यहाँ पर आपको इसमें 160 सीसी का इंजन देखने को मिल रहा है और साथ ही इसमें जो ये गियर लीवर है ये कुछ यूनिक सा देखने को मिल रहा है, सिंगल सा, जिसमें आपको आगे रोड देखने को मिल रही है, पीछे यहाँ पर रोड नहीं है, ये कुछ सुपर बाइक्स में आता है वैसा आपको इसमें देखने को मिल रहा है। बाकी यहाँ पर इसमें आपको सिंगल हॉर्न देखने को मिल जाता है, 160 सीसी का इंजन आपको इसमें देखने को मिल रहा है और साथ ही फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम इसमें आपको देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पर ये कुछ अपडेट हैं जो कि मैंने आपको बताएं होंडा यूनिकॉर्न के बारे में। देखने में आपको ये बाइक कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने आपका बहुत बहुत धन्यवाद।